से जारी नहीं की गई है, कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर अब तंज कस रही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। जेजेपी, इनेलो और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो जोर शोर से तैयारियों में जुट चुके हैं। क्या पूरा माजरा है, हरियाणा में राजनीतिक हलचल क्या है, ये दिखा रही है बड़ी बहस की ये पहली बड़ी रिपोर्ट। पांच अक्टूबर को प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी ने बाजी मारते हुए 67 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की सूची पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों की देरी पर बीजेपी नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं, इसलिए दूसरे दलों से अपील कर रही है। नहीं, अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। तो अभी वो दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम दें ना दें। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं और डंके की चोट पर हम तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चुनावी हलचल के बीच सियासी भगदड़ भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अटकलें हैं विनेश को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पर मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। जेजेपी आसपा हो या इनेलो बसपा, बारी बारी सब उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। नजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं पर भी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार प्रदेश की जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बड़ी रिपोर्ट के जरिए बड़ी बहस में हमने ये जानने की कोशिश की कि आज दिन भर हरियाणा की राजनीति को लेकर, हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या गहमा गहमी रही। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रभारी बावरिया साहब क्या कह रहे हैं, इससे आज बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। आप बीच में आप सब सूचना देना बंद कर दो, जिसने भी बीच में सूचना देने की, ए, सुनो, तुम्हारा टर्न गया आज का। थैंक यू। बहुत ज्यादा बोलती हो, क्यों सबको रोकती हो? आज जो है पूरा चर्चा हो गया है, माइंडलार थोड़ी दो चार बाकी रहती हो सकता है, मगर आज महदंश के जी हमारी जो सूचियां हैं सब क्लियर हुई है और वेणुगोपाल जी आपको 5-15 मिनट में, आधा घंटे में सूचियां रिलीज करने के लिए स्वयं आएंगे और वो आपको ब्रीफिंग भी देंगे। आज कितनी पेंडिंग सीट बाकी रह गई है डिस्कशन के लिए? डिस्कशन के लिए वो कुछ तैयार कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी आ जाएगी।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर क्या स्टेटस है, क्या गठबंधन? अभी कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं आया, तो पूरे दिन इसमें व्यस्त रहे लगातार। वेल आई एम हैंडलिंग दैट, तो मैं जो उनके ओर से मुझसे फोन भी आते रहे, अभी यहाँ से आपसे अलग होते हुए ऑफिस में जाके उनसे बात करूँगा। सर आज चुकी चर्चा हुई है सर, करीब कितने सीटों पे सहमति बनी है और कितनी सीटें बाकी रह गई हैं? आउट ऑफ 90 मेरी समझ में जो है 78 जितनी सीटों पर सहमति बन गई है, 80 सीटों पर बन गई है, बाकी में थोड़ी चर्चा बाकी है, सहमति तो ज्यादातर सभी 90 सीट पर। सर सिटिंग एमपी, सिटी के एमपी जो है जो 5-6 सीट कांग्रेस ऑफर कर रही है उतना उन्हें कबूल नहीं है, ऐसे में वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। वो कल पहली लिस्ट भी जारी कर सकते हैं अपनी, भैया वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, दबाव बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। आप इतनी गंभीरता से आप मीडिया वाले क्यों लेते? सर सुरजेवाला जी और शैलजा जी के कैंडिडेचर पे कोई फैसला हुआ है? आज कोई फैसला नहीं हुआ है, उन्होंने रिक्वेस्ट शुरू से रखी है, मगर फैसला कोई नहीं। तो उनका सर हाई कमांड के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, अभी भी जगह है? मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, इट इज अंडर कंसीडरेशन। सर सांसदों के चुनाव लड़ने पे क्या बात फाइनल हुई है? अभी जवाब दे दिया मैंने, अभी इनको जवाब दे दिया, क्यों दूं आपको? यू वांट एक्सक्लूसिव एवरीथिंग? उनका उसका जो है झूलाना से आई थिंक इट इज डिसाइडेड सर आज जो कहा जा रहा है सर कि सुरजेवाला जी और शैलजा जी के कैंडिडेट थे, तो आपने कहा कि डिस्कशन हुई है, उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है, तो क्या ये कोई प्रस्ताव पार्टी हाई कमांड को दिया गया है उनके कैंडिडेट? कमेटी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, इट इज रिकॉर्डेड कि भाई इन्होंने इशारा किया। क्या सभी उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं? पहले तो बता चुका हूँ, फिर से आपको एक्सक्लूसिव देना है प्लीज डोंट। पहले बता चुका हूँ, फिर से आप क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, शायद उनकी वेणुगोपाल जी से कुछ बात हुई होगी, मेरे पास क्लैरिटी नहीं। आज की डेट तक का जो डेवलपमेंट है उसमें किसी सांसद को जो है अभी तक इजाजत नहीं दी गई। थैंक यू सर, ओके धन्यवाद। आप लोग रुकना, वेणुगोपाल जी सूची जो है रिलीज करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग रुकना, अभी यहीं पे आ रहे हैं। और आज जो बीच में जो लोग बोलते थे वो सबके साथ आइए सर, आइए सर, ऑडियो नहीं आ रहा था सर।